हाय आई एम संजू और मेरा सीक्रेट था मैजिक पेंसिल। अभी नहीं है, अभी मैजिक चला गया इसका। एक दिन मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना इस मैजिक पेंसिल से एक और मैजिक पेंसिल ड्रॉ की जाए, और उसी लालच के चक्कर में मैंने इसका मैजिक ही खो डाला। अब तो इनका कुछ और ही मैजिक चलता है, आप खुद देखो। आई लव यू टू। अरे बस करो यार। बूम गाइस, क्या चल रहा है? तो आज जो शो कम सीन करने वाले हैं वो 90s के बच्चों ने पक्का देखा होगा। मुझको बचपन में ये शो बहुत ही ज्यादा पसंद था, नॉट गोना लाई। इसी शो की वजह से स्कूल में कई बच्चे अटेंशन पाने के लिए झूठ बोला करते थे कि हमारे पास घर में वो मैजिक पेंसिल है, और कई बच्चे उनकी बात मान भी लिया करते थे। ये वीडियो सिर्फ आपकी एंटरटेनमेंट के लिए है, तो इस वीडियो को अपने दिल या अपने फेफड़ों पे मत लेना। सबसे बड़ी बात पता है इस पेंसिल की क्या है कि आपकी ड्राइंग जितनी मर्जी खराब हो, ये चीज अच्छी बनाकर देती है। इसने फोल्डेड पेपर निकाला था, तो ये पेपर सीधा कैसे होगा? बिल्कुल। और इसने निकाला एक ही पेपर था, पर अब इसके पास दो पेपर्स हैं। ये बंदा यहाँ पे आके छुपा है क्योंकि इसके पीछे गुंडे पड़े हैं। ऐसे सड़क के ऊपर कौन छुपता है? कहीं साइड में जाकर छुपो ना, ऐसे तो मत ही करो। इस बंदे ने तो घटिया सी ड्रॉइंग बनाई थी। देखो ये पहले इसने बनाई थी, और ये ड्रॉइंग देखो भाई, ये किसने बना के दे दी इसको? अब ये क्या है भाई? But what to do? It runs in my body. लमाओ। तो उस बंदे से वो पेंसिल उधर गिर गई थी, तो इन नमूनों ने पेंसिल को ढूंढने की कोशिश ही नहीं की। और ये गाड़ी इस बंदे के तो साइड से ही निकल गई थी, उस बंदे से तो इस गाड़ी की टक्कर ही नहीं हुई। संजू को ड्रॉ तो कर नहीं रहा, बस उसके बालों के ऊपर से पेंसिल ही घुमाई जा रहा है। कब का जब ड्रॉइंग बनाते दिखाते हैं तब ये बालों के ऊपर से पेंसिल ही घुमा रहा होता है। It just looks like me, संजू। बिल्कुल भी नहीं लग रही इसके जैसी। देखो रितु कितनी खुश हो रही है यार कि उसकी ड्रॉइंग नहीं बनाई। अच्छा हुआ। ये करोना तो एक नंबर की झूठी है। तुम लोग ने वो पढ़ा? लो आ गया पड़ाकू। पार्थो को इन्होंने शो में पड़ाकू दिखाया है, तो जो पार्थो का कैरेक्टर प्ले कर रहा है उसकी शो में फर्स्ट लाइंस यही हैं। तुमने पढ़ा, ये नहीं बताता है कि किस चीज को पढ़ने की बात कर रहा है, ताकि रितु इसे पड़ाकू बोल सके। टाइम पास करने के लिए इन बच्चों को भी ड्रामा चाहिए। अगर ये बच्चे बड़े होंगे तो क्या करेंगे? ये लोग ऐसे घर की विंडोज को ओपन क्यों रखते हैं? विंडोज बंद रखो ना यार। ये देख लो यार, कैसे देखो यार, सस्ता गैंगस्टर बना हुआ। इसकी मम्मी इसे ऐसे कपड़े डालने देती है। सैफलोन भाई का फैन होगा यार ये तो। वाह अमेजिंग। ये लोग इधर इसलिए आए हैं क्योंकि टीटो ने बोला था कि चंदू के पापा चंदू की मम्मी से फिर से डांट खा रहे हैं, पर अब ये लोग यहाँ पे आके वो सब देख रहे हैं लाइव। तो चंदू के पापा ने तो अभी तक चंदू की मम्मी को बताया ही नहीं है कि हुआ क्या। चंदू के पापा तो अभी अपनी स्टोरी सुना रहे हैं। तो क्या टीटो को पहले ही पता लग गया था कि होने क्या वाला है? तीसरी आंख। यहाँ चंदू के पापा ने चंदू की मम्मी को सारी बातें पहले बता दी थी और डांट भी खा ली थी, और अब बच्चों के आने पर फिर से वो अपनी बातें दोबारा बता रहा है और फिर से डांट खा रहा है। रोज ये बंदा इसी पार्क में आता है और लोगों को लूटता है, पर किसी ने भी इसके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट ही नहीं की। ऐसा कौन है यार जो एक ही जगह पे आके बंदों को लूटी जा रहा है? मतलब कम से कम अपनी जगह तो चेंज कर ले यार। और हर बार ये अंधा बन के ही लूटता है लोगों को। वो बंदा सामने बैठा है और इन लोगों को वो तब तक नहीं दिखता जब तक वो खुद बोलता नहीं है। कलम में तलवार की ताकत होती है, इसी अपना हथियार बनाऊंगा। रट्टा मारने से कुछ नहीं होता, शब्दों के पीछे का अर्थ भी जाना करो बच्चों। मैं अंधा नहीं हूँ, तू बहरा है क्या? तेरी जेब में जो भी है निकाल दे वरना। और ये भाई साहब देखो यार, बच्चों को लूटने आ गए। बच्चों से क्या ही लूट लोगे? चोर कॉर्नर में जाके लूटते हैं, और ये बंदा कॉर्नर से बिल्कुल सेंटर में आके लूटता है लोगों को। अगर इसको लूटना ही था पहले ही चाकू निकाल कर उधर लूट लेता है इसे। ये अंधा होने का नाटक करने की जरूरत भी क्या थी इसके सामने? संजू को तो ये पता था कि यही वो लुटेरा है, तो सीधा पिटाई ही करते ना इसकी। ये लोग इसकी पिटाई कर रहे हैं, यहाँ छोटी छोटी डंडियों से गुदगुदी कर रहे हैं। मैं आगे जैसी गलती नहीं करूंगा, अंधा बन के किसी को नहीं लूटूंगा मैं। इनको ये बोल रहा है कि मैं अंधा बन के कभी चोरी नहीं करूंगा, पर चोरी तो करेगा, बस अंधा बन के नहीं करेगा। संजू इनको मिल नहीं रहा है, और संजू की मम्मी को बहुत ही फिक्र हो रही है संजू की। पर संजू के पापा को देखो यार, मूड में है पूरे, अब बस वही गाना गाने वाले है। वहाँ बैठो ना, वहाँ बैठो ना। संजू जब कहता है कि कैसा इलाका है ये, कोई नजर ही नहीं आ रहा, उसी वक्त वहाँ से एक बंदा निकल रहा होता है। देखो यार टीटो कैसे पुश कर रहा है संजू को। और संजू देखो यार कैसे चिल्ला रहा था इससे पहले, भागो भागो। कहाँ भागना था इसे। ये लोग उस लुटेरे के साथ आए थे पैसे लेने, तो इनके पास वो छोटी छोटी डंडियां थी जिनसे ये लोग लुटेरे की पिटाई कर रहे थे। तो वो डंडियां है ये साथ में क्यों नहीं लेके आए, एक सिन ऑफ टाइगर के लिए, क्योंकि ये पुराने जमाने का टाइगर आज के टाइगर से बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। अभी तक ये लोग इधर ही खड़े हैं, टाइगर इनको लेक्चर दे रहा है, पर वो पेंसिल जहाँ पे गिरी वहाँ पे इन लोगों ने ढूंढने की कोशिश ही नहीं की। इन्होंने बस अज्यूम ही कर लिया कि वो पेंसिल किसी ना किसी को तो मिल ही गई होगी। आजकल फिल्में वैसे ही नहीं चल रही है, आजकल फिल्में वैसे ही नहीं चल रही। इस बंदे ने इतनी देर पहले ही फ्यूचर बता दिया था। तीसरी आंख, इन्होंने पेंसिल के सर के बाल केले के छिलके जैसे बनाए हैं। इस पेंसिल का सिक्का ही नहीं है। पार्थो को संजू ने फील्डिंग करने को बोला था, पर वो तो अंपायर ही बन गया भाई। और ये जग्गू बीच में क्यों खड़ा हुआ है। संजू पीछे से बॉल डाल रहा है और ये बीच में खड़ा है, लगता है इसको पीछे से अपनी लाल करवानी है। सस्ता मलिंगा और सामने खड़ा है सस्ता क्रिस गेल, जिसका आउटसाइड एज लगता है, पर फिर भी बॉल बहुत ही ज्यादा दूर चले जाती है। जग्गू इस शॉट में इधर नहीं खड़ा हुआ था, पर नेक्स्ट शॉट में वो फिर से इधर ही खड़ा हुआ है। जादू मेरी खिड़की का पूरा कांच तोड़ दिया। पूरा ना भी तोड़ता तब भी रिप्लेस तो पूरे करना पड़ता ना। इनकी खिड़की का कांच मैंने नहीं तोड़ा है। तुम्हें बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है क्या? तमीज, उसने यही बोला कि उसने नहीं तोड़ा है कांच को। आज जब सारा दिन भूखे रहोगे और पेट में चूहे कूदेंगे तब। ये इसको पनिशमेंट मिली है या करवा चौथ का व्रत रखने को बोला है। द शो मेकर रियली वांट्स अ ऑडियंस टू फील बैड फॉर संजू। ये पूरे शो में ऐसा ही होता है। ये कौन सा कांच तोड़ा था इसने, कहाँ पे लगा था। और संजू की मम्मी तो चेक करने भी नहीं आती कि संजू ने तोड़ा भी क्या है, जबकि उसे आवाज सुन जाती है। ये पेंसिल अपनी छोड़ के बेड पे गया था, पर अब निकाल उसे बैग से रहा है। जादू, तो ये पेंसिल किस चीज का क्या कलर होगा ये कैसे डिसाइड करती है। अगर मान भी लें कि जो बंदा मन में सोच रहा है वही ये करती है, पर कई बार हम ड्रॉ करते वक्त सोचते ही नहीं है कि ये चीज किस कलर की होगी, तो फिर ये कलर खुद से डिसाइड करती है। इतनी ज्यादा सुंदर पेस्ट्रीज बनाई है इसने, एक उसने छोटी बनाई थी और एक बड़ी, तो दोनों एक जैसी कैसे आ गई। इसकी ड्राइंग को क्या हो गया। अब जैसे जैसे शो आगे बढ़ रहा है इसकी ड्राइंग और खराब होती जा रही है। ये किस एंगल से आइसक्रीम रोल लग रहा है। पेंसिल भी सोच रही होगी यार कुछ तो अच्छे से ड्रॉ कर लो, कितना खाना चाहिए ब्रो तुझे, कुछ खा भी ले पहले। और ये हर चीज को दो दो क्यों बना रहा है, किसी और को भी खिलाना है क्या इसे। संजू भी मन में सोच रहा है और ऊपर देख रहा है। क्या मन की आवाज ऊपर से आती है संजू की। खाना तो मैं खा चुका हूँ। खाना खा चुके हो? नहीं आपकी दांत खाली ना, पेट भर गया। बहुत हरामखोर लौंडा है ये, सारा पराठा मुंह में ठूस दिया उसके। पहले ही डबल चीजें खा के बैठा था फिर भी सब खा गया। अगर मान लो संजू ने वो ड्राइंग इरेज कर दी होती तो क्या संजू के पेट से जो इसने खाया था वो सब गायब हो जाता। ये टेस्ट करने के लिए कि ये पेंसिल लिविंग थिंग्स बना सकती है कि नहीं, इसने सीधा सांप ही ड्रॉ कर दिया। भाई को इंसेक्ट ड्रॉ कर लेता। इरेजर वहाँ पे उठाने जा रहा है। अरे गधे, अपनी मैजिक पेंसिल से इरेजर ही ड्रॉ कर ले। संजू को मम्मी पापा को बुलाए, टाइम हो चुका है और ये लोग अब जाके आए हैं। अगर इनको आवाज सुन गई थी तो ये पहले भी आ सकते थे। और संजू ने चिल्ला चिल्ला के अपने मम्मी डैडी को बुलाया था, तो ये तुरंत क्यों नहीं आए। लगता है कुछ और करने में बिजी थे, पर लगता है जल्दी काम हो गया इनका। आ जाओ सैवलोन भाई, फिर से आ जाओ। वहाँ बैठो ना, वहाँ बैठो ना। संजू के पेरेंट्स सबसे बुरे पेरेंट्स हैं। पहले जब संजू मिल नहीं रहा था तब इन्हें कुछ और सूझ रहा था, बाद में किसी आंटी ने संजू के बारे में कुछ बुरा क्या बोल दिया। इन्होंने संजू को संजू की बिना बात सुने ही पनिशमेंट भी दे दी। और अब जब संजू चिल्ला चिल्ला के बुला रहा था उन्हें, तब वो लोग मजे से अपना कर रहे थे। ये सोसाइटी 101 है, 101 एक लकी नंबर है। वो पेंसिल यहाँ जरूर मिल जाएगी। घटिया लॉजिक। आज तुम लोगों ने नाश्ते में क्या किया? नहीं तुम लोग बहुत अच्छे दिख रहे हो इसलिए। वाह बेटा वाह, क्या पिकअप लाइंस मार रहा है। सैफलोन भाई का पक्का फैन है ये। सभी लोग संजू को झूठा ही समझते हैं और कोई भी उसका क्लास में साथ ही नहीं देता है। इनको कैसे पता है कि वो पेंसिल किसी सोसाइटी में रहने वाले बंदे ने उठाई होगी। संजू के पास इतनी गंदी गंदी पेंसिल्स पड़ी थी, पर संजू की मम्मी इतनी अच्छी दिखने वाली पेंसिल को अपने साथ लेके गई एक्सचेंज करवाने के लिए, और वो भी सिर्फ एक ही पेंसिल को लेके गई, बाकी किसी और पेंसिल को हाथ भी नहीं लगाया। और संजू तो ये पेंसिल को छुपा के रखता था, तो उसने इस पेंसिल को बाहर छोड़ा ही क्यों। संजू ड्रॉ शार्प पेंसिल करता है, पर देखो बाद में ड्राइंग ही चेंज हो जाती है। जादू, इसने बोला था कि पुरानी पेंसिल्स के बदले नया पेन लो। और संजू की थग लाइफ देखो यार, ये नई पेंसिल्स के बदले नया पेन लेने आया है। और ये तो सीधा पेन से ड्रॉ कर सकता था, तो इसको पेंसिल्स ड्रॉ करके उन्हें एक्सचेंज करने की क्या जरूरत थी। इसने ड्रॉ तो इतनी की नहीं थी जितनी इसको मिल गई। गेट ए रूम। इन गुंडों का बॉस इन्हें वही पनिशमेंट दे रहा है जो संजू की माँ उसे देती है। ये इनका बॉस टाइगर इन्हें पे कैसे करता है। ये लोग कुछ काम तो करते नहीं है इस शो में, ना ही कुछ चोरी वगैरह करते हैं, बस सारे शो में पेंसिल ढूंढते रहते हैं। क्योंकि टाइगर ने तुम जैसे गधों के साथ काम किया है। बॉस स्वीटी तुम एक अलग ब्रीड की हो। लमाओ, जैसे तुमने अपनी ये पेंसिल को संभाल के रखी है, वैसे ही तुम्हारा दिया हुआ पेन हमेशा मैं संभाल के रखूं। ओ भाई 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 भाई, ट्रू लव। गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को शेयर और लाइक करना मत भूलना, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लेना। नहीं तो आपकी मम्मी से कह के मैं आपका खाना बंद करवा दूंगा एक दिन के लिए। Don't worry, buddy. You're doing fine. Hey, Patrick.